करा कू, ये क्या करा, सॉरी लिपस्टिक लगा दी, ये क्या करा मुंह, बंदर बन गई बंदर, ये क्या कर दिया, अब नहीं लगाना, अभी शीशा दिखाऊं, दिखाऊं, बस अब पूरा मुंह पूरा बंदर बन गया, ये क्या करा पहले मुंह क्या करा, क्या लगाया ये, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, मटानी बनी मैं, क्या बनी थी, अच्छी था ये, गंदी लग रही है, तुम गंदे लग रहे, नहीं नहीं, देख कितनी गंदी लग रही है उसकी लिपस्टिक, इधर तो हाँ अच्छी लग रही, अच्छी लग रही, अच्छी लग रही, था बिल्ली बिल्ली था बिल्ली। तो ये देखिए आपने देखा होगा, अक्कू ने अपने लिपस्टिक लगा ली है और ये है बच्चों के शौक, मैंने लगाई तो अक्कू ने कहा कि मम्मा मुझे भी दो, तो मैंने ऐसे दे दिया, मैंने सोचा कि चलो हल्का फुल्का लगाई, लेकिन देखो आपने इसने क्या कर दिया है, पूरे ओट उसने अपने रेड कर दिए हैं और अक्कू क्या बन गई है, बंदर बन गई है, बंदर क्या बनी है, बिल्ली बन गई, ओ अक्कू बिल्ली बन गई है। तो चलो सबको हाई करो, पहले सबसे पहले हाई करो, हाय हाय, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं बोलूंगी तू बोल। चलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग में कुछ खास आपको दिखाने वाले हैं हम, मैं यहाँ पे पहाड़ी जो चक्की होती है वो दिखाने वाली हूँ आपको, और पहाड़ी चक्की को गढ़वाली में बोलते हैं जंद्रू, जंद्रू बोलते हैं, और वो आपको दिखाने वाले हैं हम, तो चलिए आप हमारे साथ, वो हमारे, ये हमारा नया घर है आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल यहाँ पे सामने ये हमारा पुराना घर है, यहाँ पे ये वाला है, ये हमारा पुराना घर है, तो हमें यहाँ जाना है, यहाँ है वो हमारी पहाड़ी चक्की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने रखा है पौधा, मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये वही वाला है जो हमने उस दिन आप, मैं इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई है जब हम इसकी कटाई कर रहे थे, मैं और मम्मी जी थी, मतलब मेरी सासू माँ थी, तो अभी हमने इसको इतना ही है, ये थोड़ा बहुत अभी कच्चा होगा तो वो भी हम बाद में निकालेंगे, तो अभी हमने इसका यहाँ पे स्टॉक करके रखा हुआ है, और स्टॉक इसलिए करके रखा है अभी हम इसकी मंडाई करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा गढ़वाली भाषा में बोलते हैं कि जब इसे स्टॉक करके रख दो तो ये थोड़ा सिते चलू, तब हम एक मंडाई कर, तो तब थोड़ा इजी भेजा दो मंडनों तक, तब हम उन्हें मंडाई करना, तो फिर जब हम इसकी मंडाई करेंगे तब भी हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे। और ये हम, ये हमारी छत है यहाँ पे, और पीछे मैंने कपड़े धो के अभी फैलाए हुए हैं, तो चलिए पुराने वाले घर में चलते हैं, क्योंकि चक्की वहाँ है और वहाँ पे लॉक लगाया होता है मम्मी जी ने, तो मुझे वहाँ से वहाँ की चाबी लेके आनी है, मैं चाबी लेके आती हूँ आपको, आप यहीं पे रहो। तो है ये वहाँ की चाबी, वहाँ पे एक्चुअली कोई हमारा पुराना घर है वहाँ पे रहते नहीं है, सब नए वाले घर में रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे लॉक लगाना होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमारा कुछ सामान भी है, इसलिए तो चलिए हम चलते हैं अपने पुराने घर में। आपको ऐसे मत करो, नीचे गिर जाओगे, चलो यहाँ पे थोड़ा डर है बच्चों के लिए, लेकिन आपको मानती नहीं है, उसे भी हमारे साथ जाना है, तो ये है हमारा पुराना घर, और यहाँ पे आगे नहीं जाना, डर लग रहा है, अच्छा क्यों लग रहा है, कौन है अंदर, भूत, चलो क्यों, क्या हुआ, भूत है अंदर, भूत है, किसने बोला है अंदर भूत है, किसने बोला आपको भूत है अंदर, नहीं है भूत, चलो पापा, चल पापा जा रहे हैं, मम्मा भी जाएगी, आओ नहीं। आओ ना। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, और यहाँ पे ये जो नीचे जो जगह है इसके लिए बोलते हैं, यहाँ पे गढ़वाली भाषा में इसको बोलते हैं पखूल, तो यहाँ पे ये पखूल है, और सामने आप देख सकते हैं बन, यहाँ पे एक घर बन रहा है, और पहले ये पूरा घर एक जैसा ही था, लेकिन अब यहाँ पे बन रहा है, तो ये घर हमारे चाचा जी का बन रहा है, मतलब पापा जी के चार भाई हैं, चार भाई थे, तो उनमें से एक दो जने का यहाँ पे बन रहा है, और एक एक हमारा ये वाला है, ये अंदर रूम हमारा है, और ये वाला चाची जी का है,
तो दो भाइयों का उधर बन रहा है, दो भाइयों का ये है। तो चलते हैं अंदर। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्यार्ड रखे हुए हैं और एक वही वाला टीन वाला ये चूल्हा है। हमारे पास दो हैं रखे हुए हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है, अभी हम एक यूज़ कर रहे हैं और एक इसे यूज़ नहीं करते, तो इसे अंदर रखना था बट मुझे डर लगता है। मुझे बोला था मम्मी जी ने, पर मैंने कहा मैं अकेले नहीं जाऊँगी, डर लगता है ना ऐसे कमरे, कभी यहाँ पे कोई रहता नहीं है तो डर लगता है। और यहाँ पे लॉक लगा हुआ है तो चाबी मेरे पास है, मैं लेके आई हूँ। तो ताला खोलते हैं और अंदर चलते हैं। जाऊँ मैं अंदर? डर लग रहा है ना मुझे। और ये ऐसे घर है ना, पहले मतलब तो पहले पुराने जैसे घर बने हुए होते हैं उस टाइप के घर है ये। और यहाँ अंधेरा हो रहा है तो लाइट ऑन कर लेती हूँ मैं पहले। तो लाइट, और लाइट मैंने ऑन कर ली है। और इस वाले घर में हम पहले रहते थे, ऐसा नहीं रहते थे, इस वाले घर में मतलब इस वाले कमरे में अंदर खाना बनता था। और जो मैंने आपको जहाँ चाचा जी का घर बन रहा है वहाँ पर हमारा मतलब सोने का था, टीवी वगैरह रखा हुआ था, लेकिन अब हमने दूसरे अपने नए घर में शिफ्ट कर लिया है सब कुछ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको ये पुराना घर दिखा देती हूँ अपना। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ ऊपर सारे क्यार्ड रखे हुए हैं, नहीं दिखेगा यहाँ पर लाइट की वजह, अंधेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ पहाड़ी चक्की जिसे बोलते हैं जंद्रू। तो ये है वो जंद्रू। तो आपने देख लिया होगा ये है जंद्रू, और इसे पहाड़ी चक्की भी बोल सकते हैं अपनी हिंदी भाषा में, और गढ़वाली भाषा में इसे बोलते हैं जंद्रू। तो पहले क्या होता था, पहले के लोगों के पास मतलब अब तो लोग चक्की पे जाते हैं और मार्केट से आटा वगैरह खरीद लेते हैं, लेकिन पहले के लोग ऐसे नहीं करते थे। घर की खेती होती थी, गेहूँ होते थे, तो वो घर पे ही मतलब इसको पीसते थे। तो घर पे किस चीज़ पे पीसते थे, ये है जंद्रू, इस पे पीसते थे। तो मम्मी जी ने बताया कि हम इस पे पीसते थे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ऐसा है, ये पत्थर का है ये ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे का जो है ये मतलब गोबर और मिट्टी से लिपा हुआ है। ये नीचे भी पत्थर है ना, ये वाला भी पत्थर है और ये वाला भी पत्थर है। और तो ये है जंद्रू, और इसको चलाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला जो हिस्सा है ये भी पत्थर है और ये वाला भी पत्थर है ऊपर, और ये साइड में इसको घसा हुआ है किससे, मिट्टी और गोबर से। तो ये यहाँ पे पकड़ने के लिए, इसको घुमाने के लिए लकड़ी लगी हुई है, और इसको चलाने का तरीका है, यहाँ पे एक आपको एक लकड़ी दिख रही होगी, ये है। अगर मैं इसे अभी घुमाऊँगी तो ये बहुत हार्ड हो रहा है घुमाने में, मतलब बहुत दिक्कत करेगा। तो इसको इजी करने के लिए यहाँ पे एक और लकड़ी है ये वाली, और हमें क्या करना है, इस लकड़ी को यहाँ नीचे लगाएंगे इस पे, बहुत हार्ड हो रहा है ना, काफ़ी टाइम से ये चला नहीं है, बंद है तो उसके काफ़ी हार्ड हो रहा है ये। और मैं आपको चलाते हुए दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये जो यहाँ पे होल किया हुआ है, तो हमें जो भी करना है, जैसे हमारे पास गेहूं है तो हम गेहूं यहाँ से ऐसे यूं करके यहाँ डालते रहेंगे और फिर चक्की को चलाएंगे, चक्की घूमेंग इस तरीके से इसे घुमाएंगे, तो फिर ये साइड से आटा निकल जाएगा इस साइड से। और फिर एक इसमें एक हल्की छोटी सी झाड़ू होती है, झाड़ू मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है। तो ये स्पेशली इसकी झाड़ू है, और इसको यहाँ से ऐसे साफ़ करके और फिर हम इकट्ठा करके बर्तन में निकाल लेंगे। तो इसमें हम गेहूँ और जैसे पहले के टाइम पे जो भी मतलब अनाज होता था उसको यहाँ पे पीस लेते थे, जो भी पीसने की चीज़ें होती थी जैसे हल्दी वगैरह है उसे भी यहाँ पे पीस लेते थे, और आप समझ सकते हैं जो भी चीज़ें होती थी मतलब, तो सारी इसमें पीस जाती थी। तो ये है जंद्रू गढ़वाली भाषा में, और हिंदी भाषा में इसे बोलेंगे पहाड़ी चक्की। तो देखिए पहले के लोगों ने कितने मतलब वो थे, इन लोगों ने घर पे इतना सब कुछ किया हुआ था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, अब कोई इस चीज़ का यूज़ नहीं करता, हमारे घर में भी नहीं होता है। मम्मी जी भी गेहूँ जो हमारे खेतों में होते हैं हम भी चक्की में लेके जाते हैं, या फिर जब गेहूँ ख़त्म हो जाते हैं तो बाज़ार से आटा मंगवाते हैं, मतलब थैली वाला जो आटा होता है मार्केट का वही मंगाते हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें दिखाना चाहती हूँ कि पहले क्या क्या होता था और कैसे कैसे पहले के लोग काम करते थे। तो यहाँ पे झाड़ू यहीं रख देते हैं, लेकिन हमारे घर में सब चीज़ें अभी भी हैं। चलिए अब चलते हैं बाहर, और आपको वीडियो कैसी लगी, पहाड़ी चक्की कैसे लगी, मैंने आपको दिखाया इसके बारे में बताया। एक मिनट में लाइट बंद कर देती हूँ, लाइट बंद।
लाइट ऑफ कर दी है। तो मैं बोल रही थी आपको कैसी लगी पहाड़ी चक्की, और यहाँ मतलब पहाड़ी चक्की जंतरों के बारे में मैंने आपको बताया, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। और व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, आप लोग अपना प्यार बहुत बनाए रख रहे हैं, बनाए रखिएगा। और सब्सक्राइब करने में आप लोग थोड़ी सी कंजूसी दिखा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जैसे आप लाइक करते हैं वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ पे लॉक लगा देती हूँ पहले। ताला लगा देते हैं यहाँ पे क्योंकि हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं, तो लॉक लगाना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, हम बगल वाले नए घर में रहते हैं। तो चलिए यहाँ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।